ब्यूटीफुल राधा कृष्ण भगवान की फ्रेम। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो मैंने एक अच्छी सी बहुत ब्यूटीफुल फ्रेम ऑर्डर की थी अमेजोन से, जो आ चुकी है। अभी हम उसको लेके आएंगे, फिर आपको दिखाएंगे ओपन करके और वॉल पे मतलब दीवार पे लगा के कैसे लगेगी। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। आपको भी अपने घर के लिए ऑर्डर करनी होगी तो आप लोग भी कर सकते हो, अमेजोन ऐप से मंगाइए। मैंने बाकी मैं आपको दिखाती हूँ, पूरी वीडियो एंड तक देखना तब पता लगेगा आपको कितनी कितनी सुंदर फ्रेम मंगाई है मैंने। अभी हम ओपन करेंगे तब पता लगेगा कि क्या आया है क्या नहीं है। पहुँच चुके हैं, अपना कुरियर लेने, देखते हैं कैसा होगा। तो गाइस, हम लोगों को कुरियर आ चुका है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। ये देख, आपको मैं दिखाती हूँ, ये देख सकते हो आप। मैंने ना फ्रेम मंगवाई हुई है राधा कृष्ण भगवान की, क्योंकि हम अपने रूम में लगाना चाहते हैं। तो अभी देखते हैं कि कहाँ लगेगी और कहाँ अच्छी लगेगी, हमारे में या मम्मी पापा के रूम पे, वो बाद में देखेंगे। पहले ये देखेंगे कि आई कैसी होगी, मतलब अच्छी होनी चाहिए। मुझे एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है क्योंकि मैंने अमेजोन ऐप से ही मंगाई है। बाकी मीशो ऐप का तो आपको पता ही है, वो साले हर कुछ भेजते रहते हैं। ओ सॉरी, साला निकल गया, कोई बात नहीं। तो फटाफट इसको अनबॉक्स करते और देखते कि इसमें कैसी फ्रेम आई है। मैं एक्साइटेड तो हूँ, बाकी मुझे नहीं पता कि कैसी होगी। ओके, उसके बाद सबके रिव्यू लेंगे कि इनको कैसी लगी, और मेरे को खुद नहीं पता, बस अच्छी आई हो सक्षु। ये मेरा भाई सुन नहीं रहा, इससे संभालूंगा। तो फिर खोलते हैं, देखते हैं। तो अभी हम गाइस अनबॉक्स करते हैं, इधर दिखाती हूँ बस, मेरे चक्कर तो क्या ही देखना। ओ यार, ये भी निकाल दिया, कहीं ऐसा ना हो कुछ अच्छा ही ना हो। चलो, एक्साइटेड एक्साइटेड, बस भगवान करे कि अच्छी आए। और फोन ज्यादा होते ही लाई हो, जितने अच्छी वीडियो नहीं बनाई ना। देखिए, जय भगवान की जय कृष्ण। यार ऐसा तो नहीं है, ये मेरे साथ स्केयर नहीं हो गया होगा, नहीं आया तो है। मतलब जो मैंने देखा था ना वो फोटो में, वो अलग जैसा था। मतलब जो मैंने देखा था साइज वो बहुत बड़ा था, और ये बहुत ज़्यादा टेपे टुपे लगाई है। जरा मैं ऊपर कर ले, जरा मैं नाइफ ले, नाइफ क्या बोलते हैं, सीजर लेके आता हूँ मैं, बुलक करूँ। फिर खोलते हैं, बंद कर दूँ तब तक कैमरा काम चो। गाय जैसे है नमूने जैसे, इससे अच्छा हम सीधा ऐसे खा फाड़ लेते हैं, किसी काम की नहीं है, फट नहीं रहा है जरा, रहने दो आगे। कुछ नहीं बनाया, क्या बोल रहा है, कुछ नहीं हुआ यार। तूने फाड़ा क्यों, तेरे को किसने बोला करने को? मैंने कुछ नहीं किया। कुछ क्या ही नहीं किया तूने, फाड़ा तभी मेरे को तेरे पे गुस्सा आता है, सबर ही नहीं होता इस इंसान से। फ्रेंड्स, सबर ही नहीं है जिंदगी में इसकी। ऐसे मैंने कुछ व्लॉग तो बनाया नहीं था, मैंने सोचा चलो मैंने अपना कुछ, मेरे को बहुत अच्छा लगा था तो मैंने मंगाया था ऑनलाइन। इन्होंने बिल्कुल देखो कितने अच्छे से पैक किया है, बिल्कुल टेपे टूपे लगा लगा के। A few more. अनबॉक्स करते हैं फ्रेंड्स, इतना तो हमने कर दिया था, मैंने चीजें तो डाली है। अच्छा है कि इसके पीछे डबल टेप दी हुई है इन्होंने, ताकि हम इसको इजीली चिपका देंगे। अब कहाँ चिपकाएंगे तो आपको दिखाते हैं। पहले इसको अनबॉक्स करते हैं, इधर आ जाओ, करीब आ जाओ, मेरी चिप्पल क्या देखी होगी, ऐसे खींच देते हैं हम आपको एक एक करके, एक एक पीस। ओह ये क्या है, मैं तो टेंशन में आ गई थी, ये तो दोनों एक जैसे लग रहे, कितना अच्छा लग रहा है यार, वाह। बस ये थोड़ा हमारे को बचा के रखना पड़ेगा, और इसमें पानी तो बिल्कुल भी नहीं लगाना पड़ेगा। ये है हमारी मेन मूर्ति। ओ यार ये कैसा सिस्टम है, मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये ऐसा था उसमें दिखाया हुआ, ऐसे ही होगा। ये देखिए, इडियट की किसने बोला था कोई यहाँ ऐसा होगा, दिखा दिखा। इसका तो मेरे भाई वैसे ही है, कोई कॉम्बिनेशन नहीं दिख रहा कैसे, ये ऐसा नहीं है ये। ये देखिए यहाँ फूल ये वाले है, ऐसे क्या, एक साइड से ऐसा, एक साइड से ऐसा, तो फूल हो सकता है। हाँ ऐसा ही है। हाँ अब देख सकते हो आप फ्रेंड्स, कितनी अच्छी फ्रेम लग रही है यार ये। पर यार कृष्ण भगवान तो ज्यादा बड़ा नहीं था, वो पीछे कैसे था दिखा।
तो फ्रेंड्स मैंने ये देख तो ली फ्रेम, अब मेरे को कन्फ्यूजन जैसा हो रहा है कि मैंने यही मंगाया था। मंगाई तो मैंने ऐसी थी, लेकिन ना मेरे को कुछ, मैंने जो फोटो देखी थी उसमें ये मूर्ति इधर को देख दिखाइए जरा, ये जो ये है ना, ये मेरे को इधर और इधर दोनों तरफ कृष्ण भगवान दिख रहे थे उस वीडियो फोटो में। जरा मैं देखूँ एक बार, और ऐसे भी अच्छा लग रहा है। अब हम देखते हैं कि कैसे दिखा। तो गाइस मेरे जैसे बेवकूफ इंसान को देखो, हमने मैंने ना उल्टे उल्टे लगा लिए थे। आप देखो कितना सुंदर फ्रेम है, वाह यार बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। अभी हम देखते हैं कि हम इसको कहाँ को लगाएंगे। और ये मैंने अमेज़ॉन ऐप से मंगाई है। अगर आप लोग कहीं से आ चुके हो मेरे वीडियो पर होम डेकोरेशन के बारे में कुछ ढूंढ रहे हो, तो आप लोग भी मंगा सकते हो अमेज़ॉन से ये फ्रेम। मेरे को सिर्फ और सिर्फ 400 की पड़ी हुई है, और इससे जो सबसे बड़ा साइज़ था इसका वो 1800 रुपये का था, तो इतना बड़ा हम कहाँ लगाते। पर ये देखो कितना सुंदर लग रहा है, वाह। अभी हम सोचते हैं कि इसको किस दीवार पर लगाए, और आपको भी दिखाएंगे कि कैसे लगेगी ये। तो गाइस ये देखो अब हम इसको चिपकाएंगे। चल तू हेल्प करा, ऊपर आ जा हमारे घर पर, दीवार तक पहुंचने दो पहले। अरे यार गाइस बेइज्जतियों को, मैं कहां बैठने लग गई रजाई पे। ओहो शुक्र है कि यहाँ पे कुछ स्कोप है, मेरे को लगा मैं तो गई नीचे। भाई सब्र कर लो, इधर इस दीवार पे, इधर आ जा। इस दीवार पे चिपका रहे हम लोग क्योंकि हमारे बेड उस साइड को होंगे। सुन ले इधर को दिखा मेरे को, जो हमारा बेड है वो इस साइड को है, तो फिर इसलिए इधर को चिपका रहे क्योंकि हम उधर को चिपकाएंगे नहीं, क्योंकि वहां को पैर होंगे तो हम भगवान की तरफ पैर करके थोड़ी भी सोएंगे। आज बता दिया था मैंने पूरा, हाँ तो फिर पैर वैर नहीं दिखाएंगे हम, यहाँ लगाएंगे थोड़ा बीच में, इधर बीच में ऊपर ऊपर लगाओ, ऊपर कर टेढ़ा लगा, ऑलरेडी डबल टेप। कैसे लगा टेढ़ा, मेरे को तो सुंदर लग रहा है, कहीं नहीं है टेढ़ा, टेढ़ा है, टेढ़ा थोड़ी हो सकता है यार। और आप लोगों को इसमें डबल टेप मिल जाएगी तो आपके लिए बहुत अच्छा है चिपकाने के लिए। हाँ ये लगा सकते हैं, छोड़ रबर छोड़ थोड़ा सा ऊपर, बाउंसरी के साथ चिपकाओ ना ऊपर का जगह। इधर हमारी बांसुरी है, बस ही निकलना नहीं चाहिए ऐसे तो लकड़ी कह दे दिए, सब कुछ पीस दे जरा। क्या बोल रहा हूँ मेरे कुछ, मैंने ये अमेजोन ऐप पे देखा था, मेरे को बहुत सुंदर लगा था उस वक्त, मेरा बहुत मन कर रहा था ये मैंने भी लाना है ऐसा बांसुरी। पता लग गया मेरे को, एक बार मैंने उल्टा चिपका दिया मतलब बार बार उल्टा ही चिपकाते रहूंगे, और अगर ये निकल भी जाएगा तो हमारे पास डबल टेप है, हम दोबारा चिपका देंगे। अच्छा लग रहा है, दिखा दिखा नहीं बुला, मैं लिंक वहां पे डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, अगर आप लोगों को ऑर्डर करना होगा तो कर सकते हो। ये देखियो काकी काम को, ये है इधर ऊपर ऊपर बहुत, और करो नहीं है पागल, ये देखो पंछी देखो ना ऊपर और ऊपर, हाँ इसके बस हाँ। ये हमारा जड़े, वाह क्या सुंदर दिख रहा है मेरे को, ऊपर पत्ती खा चुका बस, वाह 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 वाह, हाय हाय बीच वाला चिपका ऊपर से। ये देख सकते हैं आप कितना पिच्छू हो जाए बेटा, कितना अच्छा दिखाई दे रहा है, वाह 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 कितना अच्छा लग रहा है मेरे को देख के, वाह और कितना अच्छा लगेगा जब कोई इधर आएगा एकदम सामने शिव कृष्ण भगवान और राधा जी दिखाई देंगे, कितना सुंदर लगेगा। वैसे रोज सुबह शाम जागते उठते बैठते यही दिखेगा तो कितना अच्छा लगेगा, पॉजिटिव वाइब आती है घर पे, पता है आप लोगों को, पता ही होगा, नहीं भी पता होगा तो कुछ भगवान की पूजा वजह कर दो करो। आजकल के बच्चे बहुत बिगड़ चुके हैं, उनको बस फोन चाहिए साइकिलें चाहिए, इधर उधर आवारा गर्दी करते हैं, पढ़ाई पूरी कुछ नहीं करते आजकल के बच्चे, इसको देख लो। सो ये बहुत अच्छा दिख रहा है अब, और ये दिखा फोन में। ओ गाइस देख सकते हैं आप मेरे पीछे कितना सुंदर दिखाई दे रहा, छोड़ यार उसको ड्रामे कर रहे हैं, ये देख सकते हो कितना सुंदर नजर आ रहा है मेरे बैक साइड पे, मेरे को तो बहुत सुंदर लग रहा है। इसी बात पे एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, मैंने बस ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाई, छोटी सी बनाई क्योंकि मैं चाहती थी कि आप लोगों के साथ में दिखाऊं कि मैंने क्या ऑर्डर किया है। बाकी हम दूसरे रूम के लिए भी मंगाएंगे, दूसरा है वो फ्रेम मैंने देखी हुई, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी जब वो ऑर्डर हो डिलीवर हो जाएगी यहाँ शिमला।
ऐसे ऐसे और देखो कितना सुंदर लग रहा है यार, ये बहुत ज्यादा सुंदर। हाँ तो मैं बता रही थी आजकल के बच्चे पढ़ाई पूरी नहीं करते हैं ना, भक्ति भक्ति करते हैं भगवान की। अब देखो कितना सुंदर, इसको देखो अब कहाँ चढ़ रही है ये बदतमीज। पहले मैं यहाँ से तोड़ गई, यहाँ से सीधा नीचे घुस गई, अब इसको क्या चाहिए, इधर को क्या चाहिए। इस साइड से देखो कितनी ब्यूटीफुल लग रही है यार, नाइस। और इधर को हमारा गुड्डू है, यहाँ को पता नहीं क्या चिपका है, फिर सीनरी सी। इधर मैंने गुड्डे और दिल फेंक दिया, अभी इसको चिपकाते हूँ। फ्रेंड्स मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है यार फ्रेम, मैंने ना एक्सपेक्टेड नहीं किया था कि इतनी सुंदर ये लगेगी। तो मैंने गैस की मतलब मैंने बोला था घर पे कि मम्मी वगैरह को कि पहले एक मंगाते हैं अपने रूम के लिए, अगर वो अच्छी लगेगी तो हम दूसरी ऑर्डर करेंगे। तो अब दूसरी मैं ऑर्डर करूँगी जल्दी ही, वो भी मैंने देखी, पर वो कृष्ण भगवान की नहीं है, वो दूसरे भगवान की, वो मम्मी पापा के रूम पे लगानी है। वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लो, और कमेंट करके जरूर बताना आपको कैसी लगी है फ्रेम। मुझे तो बहुत सुंदर लग रही है, देखो कितनी मस्त लग रही है यार। आप घर पे लगाओ, आप सोचो कोई रूम पे आएगा एकदम से सामने दिखेगा, कितना अच्छा लगेगा कि राधा कृष्ण की हमने ये लगाया, इतना अच्छी फ्रेम। सो आप भी लोग भी अपने घर पर लगा सकते हो। बस इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। मैं घर पे बेल रहे थे, मेरे को समझ नहीं आता कि आप लोगों को ऑर्डर आया, तो मैं सोचा एक व्लॉग ही बना देती हूँ, बस यही बात थी। और आप लोगों को ये दिखाना था सुंदर, और इधर बस काम चलता रहता है, मैं इस आवाज़ से परेशान हूँ। सो बस वीडियो को एंड करते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।